हाय गाइस, गुड इवनिंग, आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आईबीटी के सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम द वीकली करंट अफेयर्स शो में, जो कि हर ट्यूसडे शाम 6 बजे लाइव होता है, उस सेशन में हम फिर से मिल रहे हैं। यस, तो काफ़ी यहां पर स्टूडेंट्स के जो हैं वो विशेज आ रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और यहां पर आज का देखिए सेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी देना चाहूँगा, और वो ये कि आईबीटी ने अपनी एक जो मेक माई एग्ज़ाम, जो हमारा चैनल है ऑनलाइन, आईबीटी ने मेक माई एग्ज़ाम एक ऐप जो है वो रिलीज़ की है। आप सभी उसको गूगल स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप से आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। उस ऐप की अगर बात करें तो देखिए, आप कोई भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पर बहुत सारे MCQs शेयर होते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, उसमें वो सारी वीडियोज़ अपलोड होती हैं जो मेक माई एग्ज़ाम चैनल पर अपलोड होती हैं और आप मिस कर देते हैं। नंबर फोर, उसमें एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की स्ट्रेटजीज जो हैं वो एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, जो आप सभी पढ़ सकते हैं बाय द एक्सपीरियंस्ड गाइस, राइट। तो जैसे कि आप ये जो अभी लाइव सेशन चल रहा है, अगर आप मिस कर दें तो आप प्लीज क्या कर सकते हैं कि ये लाइव सेशन आप उन वीडियोज में भी देख सकते हैं, या रेलवेज की, या इंग्लिश के लिए, मैथ्स और जीके, जो भी सिलेबस है उन सभी की वीडियोज आप वहां पे देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। और रिसेंटली एक एग्जाम के लिए, RRB NTPC के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी वहाँ पर शेयर भी की थी, आप उसको जाके देख सकते हैं मेक माई एग्जाम पे। और भी बाकी टीचर्स के द्वारा उस पर रोजाना कुछ ना कुछ अपडेट्स होती रहती हैं जिसको आप देख सकते हैं, राइट। तो आप लोगों के सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों के लिए साबित होगी वो मेक माई एग्जाम ऐप। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टाइम खराब ना करते हुए, ओके थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज का टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए हम सेशन शुरू करते हैं। और इस सेशन में जो इस वीक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट वीकली 15-21 मई में इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, उन सभी की बात करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन द शो। और पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सभी आपके स्क्रीन पर। सो फर्स्ट न्यूज इज, फ्रांस एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव क्रिस्ट चर्च कॉल अगेंस्ट ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म। ऑप्शंस आर ए, इंडिया, बी न्यूजीलैंड, सी इराक, डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन देखिए क्या है, आप सभी को पता होगा अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि सभी ने देखा होगा कि 2 महीने पहले न्यूजीलैंड में एक हमला हुआ था, जो एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है उन सभी ने वहां पर 2 मॉस्क्स में हमला, 2 मस्जिद है जहां पे हमला हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए न्यूजीलैंड और फ्रांस, ये जो 2 कंट्रीज हैं, इन दोनों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इनिशिएटिव का नाम है क्रिस्ट चर्च कॉल। और इस क्रिस्ट चर्च कॉल का मतलब क्या है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी टेररिज्म को तो दोनों कंट्रीज कंट्रोल करेंगे, ऑनलाइन देखिए एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या है, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म का मतलब है कि ऐसी चीजें जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या स्नैपचैट, इस तरह की जो है ना, यहां पर एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटीज फैलाई जाती है, इसको भी कंट्रोल करेंगे, राइट। तो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कंसेप्ट क्या है, फ्रांस और दूसरा कौन सा कंट्री होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। या हेलो टू ऑल, प्लीज सभी जो यहां पर ज्वाइन कर चुके, और आप प्लीज करंट अफेयर पर अभी ज्यादा ध्यान दीजिए रेदर देन विशिंग, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूजीलैंड। और देखिए यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, हर नेम इज जैकिंडा अर्डन, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर नेम इज जैकिंडा अर्डन, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर टू इज, नेशनल वेसाक वीक विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो नेशनल वेसाक वीक पूछा गया है, न्यूज में अभी रिसेंटली था, और ये कौन से धर्म से एसोसिएटेड वीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस आर हिंदुइज्म, बी इज क्रिश्चियनिटी, सी इज बुद्धिज्म, डी इज जैनिज्म। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर निकल के सामने आ रहा है, और इस क्वेश्चन का एग्जाम में होने का 100% चांस रहेगा। तो ओके, सो यहां पर पंकज सिंह ने क्वेश्चन पूछा, सर आपकी करंट अफेयर की क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है रोज। सो डियर पंकज सिंह, यहां पर ऐसा है कि हमारी वीकली क्लास चलती है हर ट्यूजडे, लाइव सेशन चलता है शाम 6 बजे। आप हर ट्यूजडे हमारे साथ शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते के यहां पर हम कवर करते हैं जिनका मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने का, राइट। सो नेशनल वेसाख वीक विच जो न्यूज अभी रिसेंटली था, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली देखिए है क्या, ये नेशनल वेसाख वीक उस कंट्री में मनाया जा रहा है, आपको कंट्री भी पूछा जा सकता है, जहां पे रिसेंटली अभी ईस्टर संडे अटैक हुआ है। और ये कौन से कंट्री में हुआ है,
श्रीलंका में अभी हुआ था ना रिसेंटली, ISIS ने जिसको क्लेम किया कि हमने करवाया। तो ये जो श्रीलंका में अटैक हुआ है, यहाँ पे मुझे बताइए कि कौन सा धर्म ज्यादा पाया जाता है श्रीलंका में। तो देखिए श्रीलंका में जो मेन धर्म पाया जाता है ना, वो ज्यादा फॉलोअर्स है श्रीलंका में बुद्धिज्म के। तो है क्या यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि बुद्धिज्म की अगर हम बात करें ना, आपको थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर बुद्धिज्म की देखिए अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म एक्चुअली बहुत तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, बट जो मेन क्लासेस हैं बुद्धिज्म की देखिए तो कुछ फॉलोअर्स हैं जो इस थेरावादा सेक्शन को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महायाना सेक्शन को मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वज्रयाना इसको फॉलो कर। ठीक है, तो तीनों देखो ये बुद्धिज्म के आगे सब डिविजन्स हैं। और ये तीनों क्या है देखिए, थेरावादा वो बुद्धिस्ट हैं जो श्रीलंका में या साउथ ईस्टर्न जो नेशंस है थाईलैंड कंबोज और कंबोडिया लाओस वियतनाम इंडोनेशिया इंक्लूडिंग श्रीलंका, वहां पर जो फॉलोअर्स है ना बुद्धिज्म के, उनको थेरावादा धर्म के बोला जाता है। ये थेरावादा बुद्धिस्ट कौन से होते हैं जो ये इसमें बिलीव करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति करनी है और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं मेडिटेशन करने के लिए। महायाना की बात करें तो ये न्यू टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि जापान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर जो ज्यादा धर्म पाया जाता है वो बुद्धिस्ट जो है वो महायाना सेक्शन के हैं। महायाना क्या करते हैं, न्यू टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। और वज्रयाना तीसरा टाइप है जो तंत्र मंत्र है ना, जिस बुद्धिज्म सेक्शन में तंत्रास को यूज किया जाता है उसको वज्रयाना कहते हैं। और श्रीलंका में कौन सा पाया जाता है, थेरावादा, राइट। और अगर बुद्ध भगवान के लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो उनकी कमेमोरेशन में उनका बर्थ कैसे हुआ, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी, एनलाइटमेंट उनकी कैसे हुई और उनकी डेथ कैसे हुई, ये सभी चीज़ों को कमेमोरेट ऑब्जर्व करने के लिए श्रीलंका नेशनल वेसाक वीक मना रहा है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बुद्धिज्म। और आप सभी को ये चीज़ कवर हो समझ आ गई, थेरावादा महायाना और वज्रयाना। और सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, नेशनल वेसाक वीक बुद्धिज्म से मनाया जा रहा है और कौन कंट्री मना रहा है, श्रीलंका, राइट। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑन योर स्क्रीन, टेरेसा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है कि टेरेसा आइलैंड कहां पर है। तो देखिए ये टेरेसा आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी न्यूज में निकल कर आ रहा था। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि यहां पर अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना, और दूसरा इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना, तीसरी इंडियन आर्मी यानी भारतीय नौसेना। सो भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों ने कंबाइंड मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज की है और इस एक्सरसाइज का नाम था बुल स्ट्राइक। ये जो बुल स्ट्राइक नाम की एक्सरसाइज की है ये टेरेसा आइलैंड में रिसेंटली की है। और ये टेरेसा आइलैंड कहां पर है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड टेरेसा आइलैंड इज इन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। तो आप सभी को समझ आ गया, इट वॉज द जॉइंट एक्सरसाइज का मतलब समझ रहे, तीनों फोर्सेस की कंबाइंड थी। और इसका नाम क्या था, एक्सरसाइज का नाम भी आप सभी को पता होना चाहिए, बुल स्ट्राइक। और ये बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज का नाम था, कहां पर हुई है, इट वाज हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स बिगिन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर ऑन योर स्क्रीन, लिको नॉर्क इज ताइवानियाना विच इज इन न्यूज रिसेंटली, हैज डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। देखिए लिको नॉर्क इज ताइवानियाना ये एक्चुअली है क्या, इसको समझते हैं अभी। और ये कौन सी इंडियन स्टेट में पाई गई है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लिकोनॉर्क ताइवानियाना क्या है, इसको समझने के लिए यहां पर मैं आप सभी को इसकी पिक्चर दिखाना चाहूंगा। इसकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज, राइट। सो देखिए लिकोनॉर्क ताइवानियाना की पिक्चर देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए एक बार, आई गिव यू सम फ्यू सेकेंड्स। तो इसे ध्यान से देख लिया आप सभी ने, लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन प्लीज। या सो देखिए लिकोनॉर्कोसिस ताइवानियाना ये जो था ये क्या था, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्किड, राइट, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से देखा है तो एक्चुअली क्या है कि लिकोनॉर्कोसिस ताइवानियाना क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्किड, ये आप सभी को समझ आ गया। दूसरी चीज ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सबसे छोटा पाया गया ये फ्लावरिंग ऑर्किड है। ऑर्किड सभी को समझ आ गया ना, ऑर्किड क्या है, ये कलरफुल वंडरफुल प्लांट्स जो है ना, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिन्हें ऑर्किड कहा जाता है। फिर भी अगर किसी को फोटो देखे, फोटो दिखा दिए मैंने, फिर भी किसी को अगर नहीं समझ आया, सभी ने हमारी अधूरी कहानी मूवी देखी होगी ना, तो वहाँ पे लास्ट में इमरान हाशमी देखा होगा कि जहाँ पे उसकी छत्तीसगढ़ में आगे डेथ हो जाती है, वो जो कलरफुल बाग होता है ना, जो वो सारा ऑर्किड प्लांट्स। सो लिकोनॉर्किस ताइवानियाना की अगर बात करें तो देखिए ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट अभी हिस्टोरिकली क्यों बन चुका है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि
ये सबसे छोटी हाइट वाला हमें ऑर्किड मिला है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, राइट, 40 सेंटीमीटर, बहुत छोटी हाइट है, वर्ल्ड में सबसे छोटा पाया गया है। और इसका ब्लॉसमिंग जो पीरियड है, खिलने वाला जो पीरियड है, ब्लॉसमिंग पीरियड, वो जस्ट 5 डेज का है। देखिए कितना छोटा सा ब्लॉसमिंग पीरियड है, कितनी छोटी सी हाइट है। तो इसके लिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, और भारत में यह पाया गया ऑर्किड कौन सी स्टेट में पाया गया है, मेघालय, बी मिजोरम, सी असम, डी नागालैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम। तो द ऑप्शन नंबर सी असम इज करेक्ट। और आपको यह भी बताना चाहिए इसको किसने फाइंड आउट किया है, तो देयर वाज अ बॉटनिस्ट नेम्ड एज जतेंद्र शर्मा, इन्होंने फाइंड आउट किया है इस, आपको नाम बताना चाहिए जिन्होंने इसे फाइंड आउट किया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, हु हैज बीन अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम। इंडियन क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच किन्हें अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन ए हकान एरिक्सन, बी आइगोर स्टीमेक, सी अल्बर्ट रोका, डी ली मुयुन संग। सो इनकी एक बार पिक्चर दिखाई जाए प्लीज, ये कौन इंडियन फुटबॉल टीम के कोच अपॉइंट हुए। देखिए, ही इज द पर्सन, ही इज दैट ग्रेट पर्सनैलिटी जो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच अपॉइंट हुए। बैक टू द क्वेश्चन प्लीज। जी तो ये कौन है, ये है आइगोर स्टीमेक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइगोर स्टीमेक ये पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, आइगोर स्टीमेक आप सभी को समझ आ गया, भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसके कोच अपॉइंट हुए। ये कौन से देश से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है क्रोशिया से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ के हैं ये, इज फ्रॉम क्रोशिया। तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि फीफा में भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक है करंटली 147, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है, फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो फीफा के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो एसजी लिखा है मैंने, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। तो देखिए फुटबॉल से रिलेटेड हेड कोच के साथ कौन कौन सी एग्जाम में बातें पूछी जा सकती हैं। और एक और चीज, 2022 में अब फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, और वो कहां पे होने वाला है, वो होने वाला है कतर में, ठीक है, तो कतर में होने वाला है जी। ओके, सो ये सारी न्यू इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज आइगोर स्टीमेक। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, इन मध्य प्रदेश वुमेन हैंडल द एंटायर वीक ऑफ काउंटिंग वोट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूरे जो वुमेन है, देखिए यहां पर 84 वुमेन थी, जिन्होंने क्या किया है, वुमेन 84 थी जिन्होंने पूरा वोट्स को काउंट किया है, पूरा वुमेन स्टाफ था, और ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये ध्यान रहेंगे कि स्टेट वॉज मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ऑप्शन है जबलपुर, बी इंदौर, सी बुरहानपुर, डी हरदा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हरदा। सो हरदा में यहां पर टोटल काउंटिंग जो है वो वुमेन्स कर रही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द अटलांटिक ओशियन सोलो इन अ लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि पहली महिला जिन्होंने अटलांटिक ओशियन को पार किया है सोलो, यानी कि अकेले पूरे अटलांटिक ओशियन को पार किया है इन द लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट। ऑप्शन ए सरला ठकराल, बी आरोही पंडित, सी दरबा बनर्जी और डी अवनी चतुर्वेदी। सो चारों में से कौन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सो इनकी एक बार पिक्चर दिखा दी जाए प्लीज। देखिए भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और गर्व की बात है कि इस महिला ने अटलांटिक ओशियन को कवर किया है। ये महिला है वो, इनका नाम क्या है। लेट्स बैक टू द क्वेश्चन प्लीज, लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन प्लीज। यस, तो देखिए इस महिला का नाम है आरोही पंडित, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आरोही पंडित जो है ये पहली महिला बनी जिन्होंने अटलांटिक ओशियन को कवर किया। अटलांटिक ओशियन के बारे में स्टैटिक क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, देखिए कहां पर है अटलांटिक ओशियन उसकी बात करते हैं। आप सभी ने मैप में कॉन्टिनेंट्स देखे होंगे, हियर इज नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे है साउथ अमेरिका, हियर इज यूरोप, और यूरोप के नीचे है अफ्रीका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, ये जो बीच में है ना, दिस इज एस शेप्ड, ये एस शेप्ड जो समंदर है बीच में, दिस इज अटलांटिक ओशियन, राइट, दिस इज अटलांटिक ओशियन। और आपको पता होना, यानी बॉर्डर्स इसके इन चारों कॉन्टिनेंट्स के साथ पढ़ते हैं, और आपको इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये सभी ने ड्रॉ कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, जिसने नहीं किया वो बैक जाके लाइव के बाद देख सकता है। ओके, सो देखिए अटलांटिक ओशियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को पता होनी चाहिए। पहली चीज, अटलांटिक ओशियन की अगर बात करें तो अटलांटिक ओशियन बिजिएस्ट ओशियन के नाम से जाना जाता है, बिजिएस्ट ओशियन। तो देखिए बिजिएस्ट ओशियन का मतलब क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हवाएं उठती हैं
उन्हें रोरिंग फोर्टीज बोला जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टैटिक में, रोरिंग फोर्टीज। ये जो हवाएं हैं वो अटलांटिक ओशन में उठती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सभी ने सुना होगा, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो अटलांटिक ओशन में है। चौथी इंफॉर्मेशन, यहां पर टाइटैनिक सभी को पता है ना, जो टाइटैनिक डूबा था वो अटलांटिक ओशन में डूबा था। क्लियर, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी को समझ आ गया, रोही पंडित यहां पर वुमेन है। और देखिए लाइट स्पेस एयरक्राफ्ट क्या होता है, लाइट स्पेस एयरक्राफ्ट का मतलब होता है ऐसा एयरक्राफ्ट जो बहुत ही लाइट वेटेड होता है, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी बाय आईसीसी। ऑप्शन नंबर ए इज मैरी वॉल्ड्रन, बी शिवानी मिश्रा, सी जैकलिन विलियम्स, डी जी एस लक्ष्मी। इनकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज। ओके, सो दिस इज द लेडी, देखिए साथ में आईसीसी की बिल्डिंग दे रखी है ना, दिखा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सभी को दिख रखा होगा, और साथ में ये वुमेन लेडी की पिक्चर दिखा रखी है। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन प्लीज। जी, क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, कौन सी पहली महिला है जिन्हें मैच रेफरी अपॉइंट किया गया है। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी एक और आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक लेडी डिस्कस की थी जिसका नाम था क्लेयर पोलोसेक, मैंने सभी को इनकी पिक्चर भी दिखाई थी, और ये क्लेयर पोलोसेक कहां से थी, ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट क्या था, क्लेयर पोलोसेक पहली जो महिला जो है वुमेन बनी थी, इन्होंने क्या किया था, ये मैच रेफरी पहली महिला बनी थी जिन्होंने मेंस ओडीआई को कंडक्ट किया था, अंपायर ये थी, पहली बार महिला जो मेंस क्रिकेट मैच में अंपायर थी। यहां पे पूछा गया है पहली महिला जो महिलाओं के मैच में रेफरी होगी, अभी तक क्या होता है महिलाओं के मैच में मेल ही रेफरी होते हैं, पर महिलाओं के मैच में महिला रेफरी होगी, ये कौन है, जो फोटो दिखाई है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जी एस लक्ष्मी। सो दैट लेडी वॉज जी एस लक्ष्मी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, विच कंपनी इंश्योरेंस हैज रिसेंटली लॉन्च द मॉस्किटो डिजीज प्रोटेक्शन पॉलिसी। ऑप्शन ए एचडीएफसी एर्गो, बी एलआईसी, सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डी बजाज अलायंस। देखिए इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अभी तक देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज तो होती हैं, बट भारत में सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती है ना, एक तो हार्ट डिजीजेस को लेकर होती है, दूसरी जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती है वो भारत में, वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस के कारण होती है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज का मतलब देखिए क्या है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज का मतलब है कि ऐसे डिजीजेस जो मॉस्किटो के काटने से या उनके द्वारा फैलाए जाते हैं, राइट। तो देखिए मॉस्किटो के द्वारा जो फैलाए जाते हैं वो कौन कौन से, एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन से डिजीज हैं, मलेरिया, डेंगी, काला आजर, राइट, चिकनगुनिया, और कौन सा हो सकता है, जापानीज एंसीफेलाइटिस, राइट, जीका वायरस वाला जो डिजीज था, याद होगा आप सभी को जीका वायरस। तो देखिए ये सारे डिजीज हैं जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं, और भारत में जो मलेरिया था मैंने आप सभी को बता दिया, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के कारण, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में मलेरिया के केसेस कम हो चुके हैं, बट डेंगू के केसेस याद रखना 300% भारत में इंक्रीज हो चुके हैं। 2009 में जितने थे 2019 में 300% इंक्रीज हो चुके हैं, यानी कि 300% डेंगू के केसेस इंक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या है, बहुत ही यहां पर ट्रीटमेंट, लोग कितने ज्यादा मरते होंगे डेंगू के कारण। तो यहां पर कोई एक कंपनी है जिसने इंश्योरेंस लॉन्च किया है मॉस्किटो डिजीजेस प्रोटेक्शन पॉलिसी, इसके लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस लॉन्च की है। एंड क्वेश्चन क्या है, एचडीएफसी एर्गो, देखिए ऑप्शन क्या है, एचडीएफसी एर्गो, बी एलआईसी, सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डी इज बजाज अलायंस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एचडीएफसी एर्गो। तो एचडीएफसी एर्गो जो है इसने लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, यूविका 2019 व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसरो, बी आरबीआई, CBSNL, DRDO। तो देखिए यूविका का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर यूविका एक्चुअली है क्या, इसकी बात करते हैं। देखिए यूविका क्या है, YU stands for युवा, VI stands for विज्ञान, KA stands for कार्यक्रम, ठीक है। तो अगर युवा विज्ञान कार्यक्रम की बात करूं, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, यंग साइंटिस्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है उनको यहां पर इसरो में ये 2 हफ्ते का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें क्या किया गया है, इसका नाम दिया गया यूविका। यहां पर बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस के बारे में उनको बताया जाएगा, उनका इंटरेस्ट जगाया जाएगा, और फ्यूचर में वो एक अच्छे स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं उनका अगर इंटरेस्ट जागेगा तो। और ये जो प्रोग्राम है इसको ऑब्वियसली कौन करेगा, स्पेस रिसर्च सेंटर कौन सा है भारत में,
ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, मैंने लास्ट टाइम बताया था के सिवान, ठीक है. और लास्ट टाइम मैंने बताया था फ्रांस ने यहां पर क्या किया था, हाईएस्ट यहां पर ऑनर दिया था अपना, किसे दिया था, वो दिया था एएस किरण कुमार को, जो फॉर्मर इसरो चीफ थे, एएस किरण कुमार, ठीक है, ये फॉर्मर इसरो चीफ थे. यहां तक सभी को क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं. और 11 पर बढ़ने से पहले मैं सभी को, देखिए यहां पर बताना चाहूंगा फिर से, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कि आईबीटी ने यहां पर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मेक माई एग्जाम. आप सभी गूगल स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं. उस ऐप पर आप सभी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आप उस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप उस पर एक्सपीरियंस्ड जो यहां पर फैकल्टीज हैं, आप जो एक्सपीरियंस्ड ऐसे बंदे हैं जिनका, जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्लियर किया, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम की स्ट्रेटेजीज है, किस तरह से क्या पढ़ना है, कैसे किस सब्जेक्ट को डील करना है इसके. और एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड, और कौन सा एग्जाम निकला नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आप सभी को मिलते रहेंगे. सो इतनी सारी ढेर सारी चीजें ये मेक माई एग्जाम ऐप पर देखिए, यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन पे जो है वो मेक माई एग्जाम का लोगो दिख रहा है. सो दिस इज मेक माई एग्जाम, इंडियाज नंबर वन एजुकेशनल ऐप. तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने सभी फायदे के लिए. सो थैंक यू. और इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, व्हिच कंट्री हैज स्टार्टेड टेस्ट रन ऑन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एवर बुलेट ट्रेन अल्फा एक्स. और इसकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज अल्फा एक्स की, देखिए इसकी पिक्चर देख रहे हैं सभी इस तरह से, देखिए बहुत ही बढ़िया इसका लंबा सा नोज है ना, बुलेट ट्रेन बनी है. बैक टू द क्वेश्चन प्लीज. जी तो आप सभी के पास 30 सेकंड्स हैं, यू हैव ऑल 30 सेकंड्स, और इसको यूटिलाइज करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में. जी तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर देखिए कमेंट सेक्शंस में जी जापान, यहाँ पर किसी ने स्पीड भी बताई है, प्रियंका बनर्जी ने जी. तो यहाँ पर काफ़ी सही आंसर्स आए राइट. तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें अल्फा एक्स की, मैंने आपको पिक्चर दिखा दिया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान. जापान ने ये इस तरह की जी, जापान इज द करेक्ट आंसर. जापान ने क्या किया है, जापान ने ये जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट एवर बुलेट ट्रेन है इसको लॉन्च करेंगे, अभी टेस्ट्स कर रहे हैं और ये लॉन्च की जाएगी, ध्यान रहेंगे 2030 तक, ठीक है, ये लॉन्च की जाएगी 2030 तक, ये ध्यान में देंगे, ये 2030 तक लॉन्च की जाएगी. और दूसरी चीज अल्फा एक्स के बारे में, इसकी स्पीड यहाँ पर किसी ने बताया है 400 किलोमीटर पर आर, बट एग्जैक्टली द स्पीड विल बी 360 kph, यानी 360 किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी इसकी. ऑन एन एवरेज 400 बताई गई थी, बट एग्जैक्टली इट इज 360 किलोमीटर पर आर, और ये जापान में चलेगी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन 12 इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पिनर्स हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन्स ओडीआई स्पिनर. ऑप्शन नंबर ए कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक, बी साना मीर, सी झूलन गोस्वामी, डी राजेश्वरी गायकवाड़. तो देखिए वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन ओडीआई स्पिनर कौन है, इनकी एक बार पिक्चर दिखाई जाए प्लीज. ओके देखिए ये इनकी पिक्चर है, ये जो लेडी है, और इनकी ड्रेस से पता लग रहा है कौन से कंट्री की है. शी इज फ्रॉम, yes, she is from Pakistan. Let's move back to the question. जी तो ये जो most successful women's ODI में यहाँ पर जिनको title मिला है, she is option number B. इनका नाम है सना मीर. और देखिए आप सभी को पता होना चाहिए सना मीर जो है इन्होंने अभी तक टोटल, सना मीर ने 147 विकेट्स जो है वो हासिल की हैं ODIs में. और नंबर वन पे ये देखिए, ये तो मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन्स ओडीआई स्पिनर है. नंबर वन पे जो यहाँ पर रैंकिंग है वो है जो झूलन गोस्वामी है, वो भारत की है, उनकी नंबर वन रैंकिंग है वर्ल्ड में जो एज अ बॉलर विकेट्स लेने की, और उन्होंने टोटल विकेट्स लिए हैं झूलन गोस्वामी ने 218. दूसरा नंबर जो है वो है कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक का. कैथरीन फिट्ज़पैट्रिक शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और उनकी विकेट्स हैं 180. और तीसरे नंबर पे ये 147 के साथ सना मीर पाकिस्तान की, इनकी तीसरे नंबर पर हाईएस्ट मोस्ट विकेट्स हैं. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन. राइट, नब वेंचर्स विच हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर वेंचर कैपिटल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल फोकस्ड स्टार्टअप्स इज द सब्सिडियरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. नब वेंचर्स पूछा है, अभी इन्होंने क्या किया है 700 करोड़ का जो
वेंचर कैपिटल फंड है, एग्रीकल्चर और रूरल फोकस स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही फायदेमंद घोषित होगा। और ये किसकी सब्सिडियरी है पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए आईसीआई बी एनएचबी सी नाबार्ड डी एसबीआई। तो देखिए हिंट ये है, ऑप्शंस में आप कमेंट करके बताइए, ये वो है न, उसकी सब्सिडियरी है जिसको जिसके अभी आरबीआई ने अपने स्टेक्स बेच दिए और 100% गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी ये हो चुकी है। यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाबार्ड। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सी दैट इज नाबार्ड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइंटली ऑर्गेनाइज द 2019 एडीएमएम प्लस मैरिटाइम एक्सरसाइज। ऑप्शन ए सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, बी इंडिया एंड जापान, सी इंडोनेशिया एंड वियतनाम, डी साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। तो देखिए कौन से कंट्रीज है जिन्होंने एडीएमएम प्लस का मतलब क्या है, आशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, आशियान ग्रुप है सभी को पता है 10 कंट्रीज का। सो आशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस मैरिटाइम एक्सरसाइज, यानी यहां पर ये 18 लगभग कंट्रीज थे जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेशन दिया और इस एक्सरसाइज को एडीएमएम प्लस मैरिटाइम एक्सरसाइज या मैरिटाइम मतलब नेवल एक्सरसाइज, इसको यहां पर किसने होस्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। राइट, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी चीज आप ध्यान देंगे कि भारत की तरफ से यहां पे जो पार्टिसिपेशन हुआ था वो किया था आईएनएस शक्ति ने एंड आईएनएस कोलकाता, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये दोनों शिप्स ने किया था। ये अभी न्यूज में लास्ट टाइम भी मैंने आप सभी को बताया था, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 15, विच सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग द 2019 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो पूछा है कि कहां पर हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज की, और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। और देखिए यहां पर मीटिंग होगी, ये तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को WTO के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये कब बनी थी, इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1995, राइट, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन स्विट्जरलैंड। और तीसरी चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि हु इज दी चेयरमैन और हु इज दी चीफ और हु इज दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस WTO इज रोबर्टो एजेविडो, ठीक है, इज दी चीफ। राइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। हीरालाल यादव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द वेटरन म्यूजिशियन ऑफ विच रीजनल सिनेमा। ऑप्शन ए उर्दू, बी भोजपुरी, सी राजस्थानी, डी मराठी। इनकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज, हीरालाल यादव की जी, सी ही इज द पर्सनैलिटी, ये हैं हीरालाल यादव। और लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन प्लीज। ये यहां पर बता दिया गया है क्वेश्चन में कि ही वाज अ म्यूजिशियन, पर कौन से सिनेमा के म्यूजिशियन थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज भोजपुरी, ये भोजपुरी जो म्यूजिक है उससे रिलेटेड था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विलाह ऑफ हिंद विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ए इज ह्यूमन राइट अवार्ड, बी मिलिटेंट प्रोविंस, सी पिलग्रिमेज, डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है, विलाह ऑफ हिंद क्या है, यहां पर आप सभी को पता होगा ISIS ने क्या किया, ISIS पता ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो जो ISIS ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है, जम्मू कश्मीर जो कश्मीर रीजन है बेसिकली, वहां पर उन्होंने क्या, इन्होंने क्लेम किया है कि कश्मीर जो है वहां पर हम अपनी प्रोविंस बना रहे हैं ISIS ने। सो इसे विलाया ऑफ हिंद कहा गया है। और ये किससे एसोसिएटेड है, ऑप्शन देखिए, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, मिलिटेंट प्रोविंस। तो ये मिलिटेंट प्रोविंस है जिसे उन्होंने ISIS ने नाम दिया इस कश्मीर प्रोविंस को कि विलाया ऑफ हिंद, हम लोग यहां पर एक जो है एक प्रोविंस या स्टेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं ISIS, राइट, कर पाएंगे नहीं पाएंगे, इंडिया की आर्मी वहां पर प्रेजेंट है ना, तो मुश्किल होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर्स समटाइम्स सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ए जापान, बी फ्रांस, सी US, डी जर्मनी। अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर की पिक्चर दिखाई जाए प्लीज जी। देखिए ये अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर है, देख रहे हैं इसके पंख, ध्यान से एक बार फोटो देखिए पूरी किस तरह से बना हुआ है, यानी बहुत ही मॉडर्नाइज्ड एक डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है ये। और भारत इसको, भारत ने 2015 में डील की थी किसी कंट्री से, भारत ने 22 ये खरीदने थे और इस जून में ये आने वाले हैं भारत के पास, इसलिए क्वेश्चन यहां पर मैंने रखा है। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन प्लीज जी। तो अपाचे गार्जियन जो हेलीकॉप्टर है वो कहां से लिए भारत ने, ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्रांस, और आपको पता होना चाहिए कितने लिए, 22, जैसे रफेल का चल रहा था ना, आपसे पूछा जा सकता है कितने भारत बाय कर रहा था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है अपाचे कितने भारत ने डील किया, 22 हेलीकॉप्टर्स की डील की है, इससे किए USA से। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19।
ऑन योर स्क्रीन हु हैज बीन स्वॉन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट. ऑप्शन ए दिनेश महेश्वरी, बी नीलामणि राजू, सी अभय श्रीनिवास योका, डी गंगम मल्लिकार्जुन. इनकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज कि कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए. देखिए ये शपथ ले रहे हैं जो ब्लैक कोर्ट में है ना, वो कौन है? वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है. और क्या कर रहे हैं? शपथ ले रहे हैं. और साथ में देखिए वो कौन है पर्सनैलिटी, ऑब्वियसली कौन होंगे? शपथ कौन दिलाएगा चीफ जस्टिस को? स्टेट कर्नाटका हाई कोर्ट का. स्टेट का कौन? गवर्नर दिलाएगा. यहां पे वो गवर्नर है. बैक टू द क्वेश्चन प्लीज. कर्नाटका स्टेट के जो चीफ जस्टिस थे पहले, उनका नाम था दिनेश महेश्वरी. वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गए थे, पोस्ट खाली रह गई. और अभी जो अपॉइंट हुए वो जो काले कोर्ट में मैंने आपको दिखाए थे, उनका नाम था अभय श्रीनिवास ओका, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी. और वो जो साथ में थे ना, जो पर्सनैलिटी थी, जो गवर्नर थे, उनका नाम क्या है? कर्नाटका के गवर्नर का नाम जो उनको शपथ दिला रहे थे, उनका नाम है वल्लू भाई. राइट, उनका नाम है वल्लू भाई. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन फीचर्ड इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमेन्स फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन क्रिक जोन. ऑप्शन ए सोफी दिवीन, बी हरमनप्रीत कौर, सी मिथाली राज, डी स्मृति मंधाना. तो देखिए क्वेश्चन पूछा है यहां पर, अभी हुआ क्या ये समझ लीजिए. जयपुर में अभी तक क्या होता था? क्रिकेट की मैगजीन्स लॉन्च होती थी, और वो क्रिकेट की मैगजीन्स में पूरा जो है ना, मेंस की या वुमेन्स की, वुमेन्स की कई बार बात हो जाती थी, पर ज्यादातर बात की जाती थी मेंस क्रिकेट टीम्स की. यहां पर क्या किया गया है, यहां पर वर्ल्ड की पहली एक ऐसी मैगजीन लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्रिक जोन, और ये एक्सक्लूसिवली वुमेन्स क्रिकेट टीम्स के लिए होंगी. ये वुमेन्स की बात जो है, क्रिकेट की बातें करेगी ये मैगजीन क्रिक जोन. और इसके कवर पेज पे जिसकी पिक्चर लगाई गई है, पहली मैगजीन जो लॉन्च हो रही है वो जयपुर में लॉन्च हुई है, और पहली जो इसकी पहली जो एडिशन है, और उस पे जिसकी कवर पिक्चर है वो लेडी कौन है? इनकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज जी. देखिए शी इज द लेडी विद द ब्यूटीफुल स्माइल. और ये कौन है? भारत की वाइस कैप्टन है, और इनका नाम क्या है? बैक टू द क्वेश्चन प्लीज जी. तो इनका नाम है स्मृति मंधाना. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. और भारत की कैप्टन कौन है, इनका नाम लिख के बताइए प्लीज. राइट, तो कौन है उनका नाम प्लीज मुझे लिख के बताएंगे सभी. ओके, तो यहां पर अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया है कि कैप्टन कौन है भारत महिला क्रिकेट टीम की. स्मृति मंधाना का, मंधाना का सभी को पता है, सभी ने कमेंट सेक्शन में लिख के बताया. हु इज द कैप्टन प्लीज, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए जी. अमन कुमार का आंसर आया है. ओके, मिथाली राज. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21. और देखिए 21 में क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने सभी को बता दिया और ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिर से यहाँ पर IBT ने मेक माई एग्जाम ऐप जो है वो लॉन्च किया. उस पर आप बहुत सारे जो है फायदे उठा सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस जो शेयर किया गया है एग्जाम्स को क्लियर करने के टेक्टिक्स, वो सभी वहाँ पर शेयर्ड है. इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट वीडियोज, वो सभी वहाँ पर आप देख सकते हैं. उसे जल्द से जल्द आप डाउनलोड कीजिए. एंड हेयर इज द लोगो ऑफ दिस मेक माई एग्जाम ऐप जी. देखिए ये दिस इज द इंडियाज नंबर वन एग्जामिनेशन ऐप. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21. इंटरनेशनल नर्सिस डे का थीम क्या था? आप सभी को इससे पहले पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल नर्सिस डे कब मनाया जाता है. सो देखिए इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है 12 मई को. तो इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है 12 मई को. नर्सिस का क्या रोल है जो भारत का या वर्ल्ड का जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, आप सभी को पता है. तो इंटरनेशनल नर्सिस डे का थीम क्या था? ऑप्शन ए नर्स अ वॉइस टू लीड अ वाइटल रिसोर्सेज फॉर हेल्थ, बी अ नर्सिस अ वॉइस टू लीड केयर इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव, सी नर्सिस अ वॉइस टू लीड हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट, डी नर्सिस अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नर्सिस अ वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल. राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर. और यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करना चाहूंगा, आप सभी के लिए एक होमवर्क है. और जैसे मैंने इंटरनेशनल नर्सिस डे तो बता दिया कब मनाया जाता है, इसका थीम भी बता दिया. आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, आप सभी को बता दूं कि नर्सिस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नर्स थी, मैनेजर थी नर्सिस की, जिन्होंने क्रीमियन वॉर में जो है बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट रोल था, और इनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये लेडी थी जिन्होंने क्रीमियन वॉर में पार्टिसिपेशन दिया था. इनका बर्थडे था जिसके कारण ये मनाया जाता है जी. अमन कुमार ने जी वेरी गुड, अच्छा आंसर किया है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली बिकेम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी. ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी स्वीडन. क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा सेकंड कंट्री बना है वर्ल्ड में जो क्लाइमेट इमरजेंसी जिसने लॉन्च की है. तो कौन सा कंट्री बना है? देखिए
पहले का नाम बताइए, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर ए दैट इज आयरलैंड, आयरलैंड बना है राइट। पहला कौन सा बना था कमेंट सेक्शन में प्लीज। जी वेरी गुड, यहाँ पे देखिए लवकुश कुमार ने एक लाइन लिखी है, लेडी विद द लैंप। जी लेडी विद द लैंप लवकुश कुमार, वो जो फ्लोरेंस नाइटिंगल है उन्हें ही कहा जाता है, उन्हें रेफर किया जाता है। आयरलैंड तो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे बता दिया है कि ये सेकंड कंट्री बना है, फर्स्ट कौन सा बना है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैंने बताया भी था विच वॉज द फर्स्ट कंट्री। वेरी गुड कुमार, क्वेश्चन यहाँ पे सही आंसर किया है कि फर्स्ट वॉज यूके राइट। तो यूके ने डिक्लेयर की थी क्लाइमेट इमरजेंसी, तो ये लास्ट जो हम लोग की लाइव सेशन था उसमें मैंने बताया भी था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ऑन विच डेट द 2019 एडिशन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 2019 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत ने अभी कब मनाया है? इसी डेट को मनाया जाता है हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ऑप्शन ए इज मई 10, सी 13 मई, डी 12 मई, डी 11 मई। तो देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। और ये जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने 1998 में, यहाँ पर जो मिसाइल को, न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था उसका नाम था शक्ति 1, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे भारत मनाता है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 11 मई को। ठीक है, तो 11 मई को भारत मनाता है, बता दिए 11 मई 1998 को भारत ने जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट था वो टेस्ट किया था और मिसाइल का नाम था शक्ति 1 राइट। सभी ने अगर अगर किसी को नहीं पता है पोखरण के बारे में तो आप लोग मूवी देख सकते हैं, कजोना प्राइम की बहुत बढ़िया मूवी आई थी पोखरण के ऊपर राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन। व्हिच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 2019 एज ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन? ऑप्शन ए इंडियन नेवी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन आर्मी, डी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो पूछा गया है कौन सी भारत की सेना है जिसने क्या किया है जो 2019 को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन मनाएगी। देखिए इसका मतलब क्या है, ऐसे सोल्जर्स जिनकी डेथ हो जाती है आर्मी के, जो डिसीज होते हैं चाहे है ना, तो देखिए जो आर्मी के ऐसे सोल्जर्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है उसके बाद उनको उनकी जो फैमिलीज हैं, नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब उनके क्लोज रिलेटिव या उनकी फैमिली या उनके आगे जनरेशन बच्चे, उनको क्या क्या बेनिफिशियल जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो आर्मी देती है, गवर्नमेंट देती है, वो उन्हें पता नहीं लगता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होते, या उन्हें पता नहीं होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या पेंशन किस तरह से लगेगी। ये सब चीज़ें जो हैं इंडियन आर्मी उसके लिए रेजिमेंटल सेंटर्स बनाएगी और 2019 को ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन मनाएगी कि जो डिसीज सोल्जर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी फैमिलीज को सारे बेनिफिट्स मिले, इसके लिए वो प्रॉपर गाइडलाइंस बना रही है। और ऑप्शन है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मैंने बातों बातों में आप सभी को बता दिया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज इंडियन आर्मी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 25 इज द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड सीनियरिटी टू एससीज एंड एसटीज एम्प्लॉयज। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किसी का डाउट आया था? ओके नो, ठीक है राइट। सो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, देखिए ये एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या किया कि स्टेट में जो एससीज और एसटीज एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोशन एंड सीनियोरिटी दी जाती है, उसके लिए रिजर्वेशन है, उनको प्रमोशन एंड सीनियोरिटी दी जाएगी एससी एसटी एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को यह कहा था कि आप इनफ एविडेंस प्रोड्यूस करिए कि जो एससीज और एसटीज हैं एम्प्लॉयज हैं उन्हें सीनियोरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ पर पहली स्टेट बनी है जिसने इनफ एविडेंसेस सपोर्ट किए हैं कि बैकवर्ड क्लासेस में काउंट किए जा रहे हैं एससीज एसटीज और उन्हें ज़रूरत है इस रिजर्वेशन प्रमोशन की, एंड द करेक्ट ये स्टेट बनी है कर्नाटका। सो हेयर यहाँ पर क्या हुआ है कि कर्नाटका के इस डिसीजन को बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया है और इसे खारिज नहीं किया गया है, इसे बिल्कुल साथ दिया गया है और अपहेल्ड किया इस डिसीजन को, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज कर्नाटका राइट। तो कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज पार्टनर्ड, सॉरी दिस इज डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ हैज पार्टनर्ड विद द इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट बाय व्हिच ईयर? ऑप्शन इज 2040, बी इज 2023, सी इज 2025, डी इज 2028। देखिए यहां पे क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ जो है अलायंस किया है। क्यों किया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने देखा है, देखिए हर साल वर्ल्ड में 500,000 डेथ्स होती हैं हार्ट डिजीजेस के कारण, और ये हार्ट डिजीजेस क्यों होते हैं, ये होते हैं ट्रांसफैट के कारण, ये जो घी है, ऑयल है, या हम बात करें ये जो कोक है, पेप्सी है, ये सारे जो बेवरेजेस हैं, या बात करें सारा फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर एंड ऑल, ये सारे में क्या प्रेजेंट होती है, इट इज अ
द टाइप ऑफ फैट प्रेजेंट इज ट्रांस फैट, और इसके कारण सबसे ज्यादा लोगों की डेथ्स होती हैं, और 5 लाख डेथ्स अभी देखी गई हैं सबसे ज्यादा। और इसे एलिमिनेट करने के लिए, यहां पर इसे रोकने के लिए डेथ्स को WHO ने क्या किया है, WHO ने कहा है कि हम यहां पर ट्रांस फैट्स को बैन करेंगे, और वो बैन किया जाएगा 2023 तक, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और अल्टरनेटिवली कुछ और जो है इन्हें यूज किया जाएगा। तो ये ट्रांस फैट बिल्कुल खत्म हो जाएगी जो डेथ्स का रीजन। तो हियर द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2023। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27 ऑन योर स्क्रीन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए रायपुर, बी अहमदाबाद, सी नागपुर, डी नवी मुंबई। देखिए ये न्यूज में क्यों है, इसका हेडक्वार्टर क्यों पूछा है, क्योंकि KRCL या कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो है इसने एक अभी अलायंस किया है, और किसके साथ किया है, नेपाल रेलवे के साथ, जो कि भारत से नेपाल के बीच में रेलवे लाइन बिछेगी, और ये KRCL का जो हेडक्वार्टर है इज इन ऑप्शन नंबर बी डी, दैट इज नवी मुंबई। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डी, दैट इज नवी मुंबई, नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28, एंड द क्वेश्चन नंबर 28 इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 एडिशन ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? ऑप्शन ए यूनिफाइंग आवर वॉइसेस फॉर बर्ड कंजर्वेशन, बी हेल्थी प्लेनेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड पीपल, सी प्रोटेक्ट बर्ड्स, बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, डी एनर्जी मेक इट बर्ड फ्रेंडली। इस सभी का मैं आंसर आप सभी से चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड यू हैव 30 सेकंड्स। जी तो देखिए इसका थीम क्या है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का, एक्चुअली हुआ क्या है, आप सभी को पता होगा माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, ऐसी बर्ड्स जो माइग्रेट कर जाती हैं। ओके सो देखिए राइट ओके जी, तो देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो माइग्रेट कर जाती हैं एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक साइबेरियन क्राइन बड़ी फेमस माइग्रेटरी बर्ड है जो कि भारत में आती है, और वो क्यों आती है, क्योंकि साइबेरिया में सर्दियों में वहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और वो वहाँ पर रह नहीं पाती है, जिसके कारण वो भारत में मूव करती है, और भारत में जब वो मूव करती है तो वो यहाँ पर सर्दियाँ निकालती है और उसके बाद फिर गर्मियों में सर्दियों में चली जाती है। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट रिसेंटली देखा गया है माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और इट इज़ ऑल ड्यू टू द पॉल्यूशन। इसका सही आंसर क्या होगा, फिर थीम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, That is protect birds be the solution to plastic pollution। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहां पर बताना चाहूंगा कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 मई को। राइट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन, प्रोफेसर किरपाल सिंह हू पास्ड अवे रिसेंटली वाज द रिनाउंड पर्सनैलिटी इन विच फील्ड, ऑप्शन ए हिस्ट्री, बी जियोग्राफी, सी इकोनॉमिक्स, डी साइंस। क्वेश्चन पूछा है कौन सा, यहाँ पर आशिक नंदा ने क्वेश्चन पूछा है कौन सा लिंक है सर जी डियर, यहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये किसका लिंक है एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो देखिए प्रोफेसर किरपाल सिंह की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, और ये किस फील्ड के पर्सनैलिटी हैं, इनकी पिक्चर दिखाई जाए प्लीज प्रोफेसर किरपाल सिंह की सी इनकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली प्रोफेसर किरपाल सिंह, और ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है इसकी बात करते हैं। आप बैक टू द क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज बैक जी। देखिए प्रोफेसर किरपाल सिंह की अगर बात करें तो किरपाल सिंह is related to, was related to the history field, और ये एक historian थे, and here the correct answer is option number A, that is history, ये सिख history के साथ बहुत ही ज़्यादा related थे। Let's move to the question number 30, जी, तो last question है question number 30, इस पूरे आज के session का, जल्दी से पूरे जोश में इस question को भी हम लोग cover करते हैं। Which Indian company has become the official sponsor of the Afghanistan cricket team for the 2019 ICC World Cup? 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप 30 मई को शुरू होने वाला है, और ये इंग्लैंड में होने वाला है, वेल्स में। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो कि इस बार पार्टिसिपेशन दे रही है, और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को इस बार स्पॉन्सर कौन कर रही है, कौन सी कंपनी, ऑप्शन ए डाबर, बी अमूल, सी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डी सांची। तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जो ऑनर करेगी, जो होस्ट करने वाली है, और ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमूल, अमूल करेगी जी। और अमूल यहां पर
अफगानिस्तान से पहले दो ऐसे देश हैं जिनको स्पॉन्सर कर चुकी है, वन वॉज नीदरलैंड जिसको हॉलैंड बोला जाता है, और सेकेंड वॉज न्यूजीलैंड। जी राइट जी, अमूल इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम सभी ने आज देखिए, आज फिर से हमने क्या किया है, बहुत ही बढ़िया से इस आज के सेशन को कंप्लीट किया है, और क्वेश्चन हम जो पूरे 30 हैं वो हम लोगों ने आज फिर से डिस्कस किए हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स देखिए आज का सेशन हमारा खत्म होता है, और इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको सभी को फिर से याद कराना चाहूंगा। जी तो मैं एक बार फिर से याद कराना चाहूंगा कि आईबीटी की एक ऐप आई है जो हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। ओके यहाँ पर सुखमिंदर सिंह का कमेंट है, वेरी गुड सेशन सर, टोटली इम्प्रेस, थैंक यू सर। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईबीटी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेक माई एग्जाम ऐप। आप सभी उसको गूगल स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस मेक माई एग्जाम, ये लोगो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। इट इज इंडियाज नंबर वन एजुकेशनल ऐप। यू कैन गेट अ वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज, यू कैन गेट अ वैरायटी ऑफ वीडियो लेक्चर्स, यू कैन गेट द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हियर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम को लेके उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो पढ़ सकते हैं विद द एक्सपीरियंस गाइज, विद द एक्सपीरियंस फैकल्टीज। सो ये ऐप आपको बहुत सारे फीचर्स देती है एक ही साथ। इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, फायदा उठाइए जितना आप इसका ज्यादा उठा सकते हैं। कोई भी डाउट एनी टाइम आप कोई भी पूछ सकते हैं, और उसका रिजल्ट जो आपको रिस्पॉन्स है वो जल्दी से जल्दी मिलेगा। जी थैंक्स टू ऑल। और ये जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये लिंक किसका है, जो लिंक दे रखा है मेक माई एग्जाम पावर्ड बाय एबिडी इंस्टीट्यूट, ये उसी ऐप का लिंक है, आपके स्क्रीन पर इसका लोगो है। सो स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म, और इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अलविदा, ऑल द बेस्ट।